हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय माता दी। तो ये शाम के करीब 4 बज रहे हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इन तकियों में मुझे कवर लगाना था, तो ये तकियों का कवर मैंने बनवाया है टेलर के यहाँ से। और ये कपड़े में रखी हुई थी, ये सब ब्लाउज के पीस थे जो मैं साड़ियों में निकलती हैं, तो मैं ब्लाउज जो नहीं बनवाई थी तो उन्हीं का मैंने बनवा लिया था। क्योंकि ऐसे ही ये वाइट जो तकिए होते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे पड़ते हैं, तो मैं इनमें एक कवर लगाती हूँ फिर उसके बाद दूसरा कवर लगाती हूँ, तो गंदे भी उतना नहीं होते हैं और अच्छा भी रहता है। तो ये दो तकियों का मैंने कवर बनवा लिया था, इसमें भी नहीं लगा था वाइट ये भी तकिया था, और ये बड़ा वाला तकिया है, तो इसमें भी मैंने एक कवर अंदर से लगा दिया है और दूसरा वाला ऊपर से। और ये मैं दुपट्टा ले रही हूँ, ये सूती दुपट्टा है, और इस सूती दुपट्टे से गर्मी कम लगती है। तो आज मैंने मैक्सी पहना है, इस वजह से मुझे दुपट्टे की काम लग गई। तो ऊपर आई थी दोस्तों कपड़े लेने के लिए, और मैं बिना सर ढके बाहर नहीं निकलती हूँ। हमारे यहाँ सर हमेशा ढके रहना चाहिए, बाहर अगर हम निकलते हैं तब भी ढकते हैं, तो यहाँ ऊपर से सारे लोग देखते हैं, तो इस वजह से मैं सर ढककर यहाँ पे आई हूँ। और गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों कि हम क्या बताएं। और गर्मी की वजह से आज मैंने मैक्सी डाल लिया है, और मुझे कैमरे के सामने मैक्सी पहन कर आना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, गर्मी में साड़ी पहनने का मन भी नहीं हुआ, और कपड़े भी मैंने फोल्ड कर दिया। और यहाँ मैं बाहर निकल रही थी कि थोड़ा सा भी हवा लग जाए, लेकिन हवा नहीं चल रहा था। और ये मैं पानी निकाल रही हूँ फूलों में डालने के लिए, और ये कड़ी पत्ता है जो मैं दीदी के घर से लाई थी, तो इसको मैंने कल ही लगा दिया था। और एक कड़ी पत्ता मैंने पहले भी लगाया था, लेकिन वो सूख गया पता नहीं क्यों। और ये जो फूल है ये अड़हुल का है, तो इसमें छोटी छोटी कलियाँ आई हुई हैं, इस वजह से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और ये देखिए पानी हम फूलों में डाल रहे हैं, ये सूख रही थी तो पानी भी लगे हाथ में डाल दे रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय माता दी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों ये शाम के करीब 6:30 बज रहे हैं, और कपड़े फोल्ड करने आई थी, उतारने भी आई थी अंदर करने, और फूलों में मैंने पानी भी डाल दिया है। अब चलते हैं नीचे, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, सच में एक उमस वाली गर्मी हो रही है जो बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं होती है। और हर जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यहीं पे है कि नहीं ये देखिए, पसीने से बिल्कुल से मैं भीग चुकी हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैं ये मैक्सी पहनी हुई हूँ क्योंकि गर्मी इतना पड़ रहा था कि साड़ी पहनने का मन भी नहीं हो रहा था। और ये मैक्सी मैंने कल लिया है, ये दीपांश के पसंद से मैंने ये मैक्सी ले लिया था, बोला था कि मम्मी ये वाला मैक्सी ले लेना। हमारे पास एक ही मैक्सी था, दो थे, तो एक ख़राब हो चुका था तो वो पहनने लायक नहीं था, तो एक मैंने ये लिया है, ये पूरा सूती का है, और ये मैक्सी में मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। और मौसम एकदम से धुंधी सा है, जैसे अभी हवा बहने वाला, जैसे कहते हैं ना एकदम शांत है तूफान आने वाला है, तो ऐसे ही मौसम है। लेकिन देख लीजिए आप लोग, एक पत्ते भी नहीं हिल रहा है, ये देखिए एक पत्ते भी नहीं हिल रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, और एकदम से बादल सा मौसम है, उमस भरी गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी से बेचैन हैं हम लोग। और यहाँ पे देख लीजिए ये जामुन है, जामुन इसमें छोटे छोटे लगे हुए हैं लेकिन अभी पके नहीं हुए हैं, ये देख लीजिए, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए इसमें छोटे छोटे जामुन लगे हुए हैं, और इसमें बहुत छोटा छोटा जामुन निकलता है, ये मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये देख लीजिए ये इतना छोटा छोटा जामुन निकलता है, लेकिन खाने में इसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है वो। और साँझ का दिया जलाने के बाद दोस्तों मैं किचन में आ गई थी, और सब्जी मैं लेकर बैठी ही थी, लेकिन अम्मा ने बोली कि लाओ मैं काट देती हूँ बैठे बैठे, तो अम्मा हमारी सब्जी काट रही हैं, आलू बैंगन की सादा सब्जी बनाऊँगी, और आटा भी हमने लगा लिया है, और जल्दी ही बना ले रही हूँ क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है दोस्तों, एक उमस वाली गर्मी है जो गर्मी में कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो एक तरफ मैं
रखती हुई हूँ कढ़ाई, और एक तरफ मैं तावा रख दूंगी, एक साइड में सब्जी छोंक दूंगी, उसके बाद मैं रोटी भी बना लूंगी और थोड़ा सा मुझे तहरी भी बनाना है। देख लीजिए दीपांश आया है, बोल रहा था मम्मी मुझे चावल भी खाना है, और शिवांश भी बोला था। तो सब्जी में सिंपल तरीके से बना रही हूँ, मसालेदार नहीं बना रही हूँ। बस इसमें हमने मेथी और लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाया था, और ये आलू बैंगन की सब्जी सिंपल भी अच्छी लगती है, रोटी के साथ आप खाइए अच्छी लगेगी। तो सब्जी मैंने छौंक दिया है, अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी और ये धीमी धीमी आँच में पकती रहेगी। और मसालेदार सब्जी बनाने का मन नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से, तो वही वजह है, नहीं तो कुछ मसालेदार सब्जी मैं ज़रूर बनाती। सुबह बनाई थी भिंडी की सब्जी और इस टाइम बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। अब मैं ढक दे रही हूँ और उस साइड अब मैं रोटी भी बना लूँगी, और फटाफट सारा काम गर्मी में ख़त्म कर लेना अच्छा होता है। और इसके बाद जब मैं खाना इस टाइम में बनाती हूँ शाम को, तो नहा भी लेती हूँ शाम को, तो थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो बस चलिए रोटी बना लेते हैं, और रोटी बना चुके थे और सब्जी भी हमारी बन ही चुकी थी धीमी धीमी आँच में। देख लीजिए रोटी भी बन चुकी थी और सब्जी हमारा एकदम से ब्राउन ब्राउन सा था, लेकिन कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। और यहाँ मैं तहरी भी छौंकने की तैयारी में लग गई हूँ। मैं खाना बना चुकी हूँ दोस्तों, ये देख लीजिए रोटी सब्जी, और इसमें तहरी है, और ये थोड़ा सा बर्तन था इसको भी धुल दिया है। मैं नहा भी चुकी हूँ, मैंने फिर से नहाया है, और देख लीजिए पंखे के नीचे खड़ी हूँ, और दीपांश जा रहा है नहाने, सब लोग नहाए हैं फिर से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब सब लोग नहा लेंगे, उसके बाद मैं सबको खाना खिलाऊंगी। और दोस्तों आज मुझसे एक बड़ी सी लापरवाही हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे साथ होता है, जब मेहनत आपका बर्बाद हो जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो आज मैंने दोपहर में मतलब सुबह से ब्लॉग बनाया था, जहाँ से ये वीडियो शुरू हो रही है दोस्तों वहीं से ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वहीं से मैंने वीडियो ख़त्म किया था, पूरा दिन मैंने ब्लॉग बनाया था और उसको अच्छा खासा मैंने एडिटिंग भी कर लिया, अपलोडिंग पे भी लगा दिया था। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में मेरे आया, मैं सोची कि चलो सारा गैलरी की वीडियो मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको तो हो गया है और अपलोड होते रहेगा यूट्यूब पर, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो मैंने एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो भी डिलीट हो जाएगी, और मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो सारा मेहनत बर्बाद हो गया। एक घंटे का मेहनत था दोस्तों, पूरा दिन मैंने ब्लॉगिंग किया और एक घंटे बैठ करके एडिटिंग किया इस गर्मी में, तो सोचिए अगर वो वीडियो डिलीट हो जाए तो कितना बुरा लगता है। तो फिर से मैंने शाम से वीडियो स्टार्ट किया और अब तक लेकर आ रही हूँ। तो बस यही कहना है, कभी कभी चूक हो जाता है अपने आप से भी, दिमाग काम नहीं करता है, कभी कभी हो जाता है चूक। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, मैंने कई बार ऐसा कर दिया है कि वीडियो मैंने बना करके अपलोडिंग पे लगाती हूँ, तैसे वीडियो मेरी डिलीट हो जाती है, मुझी से ही डिलीट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि इस मोबाइल में मेरे स्पेस उतना है नहीं, जैसे मैं एक दो वीडियो बनाती हूँ मोबाइल मेरा जो है हैंग करने लगता है, सारा काम मैं इसी मोबाइल से ही करती हूँ, तो दिक्कत पड़ता है, इस वजह से वीडियो बना बना करके डिलीट भी करना पड़ता है, तभी दूसरा वीडियो मैं बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पता नहीं मैं इससे इस मोबाइल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुकी हूँ, और देखती हूँ अगर बन पड़ेगा तो कभी ना कभी दूसरा मोबाइल लूँगी जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा, मुझे दिक्कत नहीं पड़ेगी, दो चार वीडियो भी मैं बना कर रखूँगी तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।